आवाज भी गई इसकी तो। बोला था ना एक ऊपर सुपर पावर बैठी हुई, कुछ खबर नहीं, घर वालों के फोन आ रही है वो, लेकिन इतनी भी नहीं है दिमाग खाने के लिए कि वो काम करना ही आपको ना पड़े। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं मार दूंगा, मैंने कुछ नहीं कहा इसको। भाई देख रहे हो नेचर। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। इति की आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है क्योंकि परसों की स्मूदी ने अभी तक असर नहीं छोड़ा है। हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट पे और आपको दिखाते हैं आज अपनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। हेलो इति मैम। हेलो। सबसे अच्छा क्या लग रहा है यहाँ का? सब कुछ अच्छा है। ग्रीनरी सबसे अच्छी है। मुझे भी लग रहा है, हर जगह इतने पेड़ पौधे हैं, देखो कितने अच्छे से सारा सेट करा हुआ है। लेकिन घर पे भी तुमने भी ऐसा ही कुछ सेट कर रखा है थी सिमिलर, पूरी जो मेहनत तुमने घर पे की है। ऐसा देख के और करेंगे। और करेंगे, आवाज भी गई इसकी तो। भाई भगवान आप मेरा कितना भला चाहते हो, ये आप मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बताते हैं आपने इसकी आवाज। ओह माय गॉड। हमारी टेबल रेडी हो रही है, तब तक ये देखो नजारा। कहाँ चलेंगे थी? बीच पे भी चलेंगे। तो ये क्या है थी? तो हम गए नहीं ना उस पे। ओह सॉरी। ठीक। कितने सालों के बाद तुम खा रहे हो ये? बहुत टाइम बाद। और मैं ये बहुत खाता था, पर जब से चाय की लत लग गई ना तो ये छूट गया। आज मैं चाय नहीं पी रहा हूँ क्योंकि इतनी भी चाय नहीं पी रही आज। हाँ मैं भी गाइस दूध एंड बनाना, क्योंकि इतनी अति हो गई है चाय की। नहीं लेकिन थोड़ी देर बाद शायद पिए, शायद इसके बाद ही शाम को पियेंगे हम लोग। इवनिंग में चाय पियेंगे। डन। सो गाइस मैंने सोचा था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, प्रॉपर्टी पे ही चिल करूंगी। अब बाहर नहीं जाऊंगी तो शॉपिंग कौन करेगा? लेकिन ये देखिए ये क्या है, ये सब कुछ है गाइस यहाँ पे। मैं बैग्स भी ले सकती हूँ, कपड़े भी ले सकती हूँ, ज्वेलरी भी ले सकती हूँ, सब कुछ ले सब सकती है। पर इतना अच्छा व्यवहार लेगी कुछ नहीं, कुछ सीखो सब लोग, कुछ सीखो। अभी जाके पता चलेगा। नहीं नहीं चलो चलो वापस आओ देख के। अरे चलो, अरे चलो, अरे चल लेना। इसको समझ में नहीं आया लग रहा है। बोला था ना एक ऊपर सुपर पावर बैठी हुई है। मैं यार इसको कुछ मिलता ही नहीं है यार, मैं इतना मूड था इसको कुछ अच्छा मिल जाए इसकी पसंद का, समझ में नहीं आ रहा यार, मिलना तो चाहिए इतनी अच्छी लड़की। सो गाइस ये है हमारा पूल और मैं अमन से कह रही हूँ तुम जा क्यों नहीं रहे हो पूल में, लेजी हो रहे हो। ऐसे क्यों भाई? ऐसे क्यों भाई, मैं अभी जस्ट नाश्ता खाया, 10 मिनट हुआ, थोड़ा खाना पच जाए, थोड़ा सा एकदम आलस चले जाए, तब मैं पूल में जाऊंगा। पीछे वाली गाड़ी हमारा फॉलो कर रही है। अच्छा और तेज भगा भैया और तेज। हेलो थी मैम। माय गाइस हम 1.5 घंटा क्या सोए, प्रॉमिस कुछ होश कुछ खबर नहीं, घर वालों के फोन आ रही है वो और है। भैया जी कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन दही तो इतनी तुम खा ही नहीं सकती बिरयानी के साथ। हाँ यार क्योंकि जुकाम हो रखा है। ओए ढक के रख दो, मैं खाऊंगा ना। लो लो आराम से खाओ, ये मत सोचना कि तुम्हारे पति भूखा रहे या नहीं रहे। ये तुम्हारा है पूरा भाई, बुद्धू हो गया, मैं इतना नहीं खाऊंगा। और ले लो भैया और ले लो। तो गाइज मैं निकल रहा हूँ स्विमिंग पूल, इति का मन नहीं है, ठीक है अपना अपना मूड होता है, लेकिन मेरा बहुत मन है क्योंकि बहुत सदियाँ हो गई स्विमिंग करे। एक टाइम पे मैं बहुत स्विमिंग करता था और बहुत शौक भी है। ये देख गैलरी कितनी ग्रीनरी है यार, कितनी मतलब कोई जवाब नहीं है। देखो कितने फूल, वो देखो समुंदर। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतनी नहीं है तो कहीं ना कहीं एक बोरियत खा रही है। तो बस 15-20 मिनट की और मैं भी सोच रहा हूँ निकल लूँ यार। वही मेरी स्विमिंग अच्छा लगा, भूख लग रही है लेकिन इतनी भी नहीं है दिमाग खाने के लिए। जाता हूँ कमरे में, वहाँ बिरयानी आई हुई है मेरे हिस्से की तो उसको खाता हूँ। ये नज़ारा समुंदर और ये देखो यहाँ पे इनका फिटनेस सेंटर। ये लो मुझे भी देख लो भाई। तो गाइज ये दूसरा पूल है प्रॉपर्टी का, ये केवल अडल्ट पूल है, यहाँ बच्चे नहीं आ सकते। और भाई देख कैसे वर्कआउट कर रहा है अपना हीरो। सो गाइज हम लोग बीच पे जा रहे हैं। इतना अच्छा मौसम है यार, क्या लग रहा है, क्या नजारा है यार, इतना सुंदर है। बहुत बढ़िया। हस्बैंड्स के लिए मैसेज है, जब आपकी वाइफ आपकी फोटो खींचने के लिए कहे ना, स्टार्टिंग से जब से आप मिले उनसे, इतनी गंदी खींचना कि वो काम करना ही आपको ना पड़े। अरे मैंने अच्छी खींची और आज तक उसका फल दे रहा हूँ,
कहीं भी जाए हमारे हाथ में हमारा मोबाइल और ये मैडम सामने खड़ी होती है। गाइस ये पहले भी गंदी चीज था, मैंने सिखाई है इसको। हाँ इसने सिखाई है। सो गाइस बीच से तो हम लोग वापस आ गए। अच्छा था, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही थी तो हमने सोचा चलो बाहर निकलते हैं, बाहर कुछ शॉप्स वगैरह होंगी वहाँ जाके घूमते हैं। बग्गी आ रही, बग्गी आ रही है। ये थोड़ा टाइम लगता है बग्गी आने में, 20 मिनट्स लग जाते हैं, 15 से 20 मिनट लगते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी बड़ी है, रूम भी लगे हुए हैं। हाँ तो होता है। ये देखो पूरा क्रिसमस डेकोर करा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। ज्यादा प्रॉपर्टी के आसपास ऐसे बहुत ज्यादा कोई स्थान ही एक्सप्लोर करने के लिए 8 किलोमीटर वॉक कर रही और हम वापस जा रहे हैं। नहीं, हमने मुश्किल से 100 मीटर ही वॉक की होगी। बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं। तो हमने 100 मीटर का एरिया देख लिया कि कुछ करने लायक था कि नहीं, बट ऐसे इतना कुछ मिला नहीं तो हम लोग वापस होटल जा रहे हैं। वहाँ पे रिलैक्स, वहाँ से ज्यादा सुकून तो कहीं है ही नहीं। अब देखिए हम लोग यहाँ वॉक कर रहे हो, यही तो हमारा होटल है, ये होटल है, वही तो, यही तो पूरा होटल है। सो ये देखिए गाइज, ये है हमारी प्रॉपर्टी, पूरा क्रिसमस का डेकोर किया हुआ है। भैया बग्गी बुला देना। सो गाइस इतना अच्छा खासा हम लोग बीच पे बैठे थे, इसने कहा मैं बाहर घुमा के लाता हूँ तुम्हें। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं मार दूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा इसको, इसने कहा कि बीच पे अब करे क्या, इतना लड़के ले गई बीच। जी भाई अच्छा आ गया, आ गया, आ गया बग्गी, भैया ने हेल्प कर दी। चलो हमारा नसीब अच्छा है, बग्गी बहुत जल्दी आ गई। नहीं तो मैं गाड़ी से बचता था, गाड़ी भी बुलाने को जा रहा था। अच्छा क्या नाम है आपका भैया? So guys, हम लोग रूम पे ही आ गए। अब यहाँ पे चाय कॉफी ऑर्डर करेंगे, जो भी चाय कॉफी पीनी है यहीं पे ऑर्डर करें। और फिर हमारा है गॉसिप सेशन, इति की चुगली करेंगे। बहुत दिनों से हमने गॉसिप नहीं किया, बहुत दिनों से हमने इति की चुगली नहीं की यार। मेरी क्या चुगली, हम दोनों आपस में गॉसिप करेंगे तो किसकी करेंगे भाई। देख रहे हो नेचर, ये होता है नेचर। मैं इन सब चीज, तौबा है खुदा, ये बहुत बड़ा गॉसिप पार्टनर है, आप लोग को पता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, मतलब कि दुख सुनने के लिए आपके साथ खड़ा हूँ। सुनने के लिए इसको सब मजा आता है। कई बार मैं कोई भी बात बता के आधी छोड़ देती हूँ ना, और इसको चुगली बजती है। वो तो सबको होती है, आप आधी क्यों बताए। थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलेगा, मैं सोचती हूँ कि हाँ अब बोलेगा, अब बोलेगा, थोड़ी देर तक चुप, फिर थोड़ी बार अपने हाँ बोलो, वो क्या बोल रही थी। और ऐसे मेरे मतलब की बातें तो उसको नहीं याद रहती है, बट 15 मिनट बाद फिर बोलेगा तो वैसा कुछ कह रही थी ना, फिर क्या हुआ। ये भी वेट करता है कि खुद से बताए। आधी बात बता के छोड़ना गलत है ना, फिर मुझे लगता है ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। फिर जब ये 10-15 मिनट नहीं बताए तो लगता है बता दो। चाय आ गई है, हमने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि हमको कुकीज ना भेजिएगा, कुकीज की जगह हमें बटर टोस्ट भेज दीजिएगा, क्योंकि कुकीज आती है हम खाते नहीं है, वेस्ट भी हो जाता है। इससे अच्छा ब्राउन ब्रेड ले लिया तो वो ज्यादा बेटर है ना, एटलीस्ट खा तो सकते हैं। क्या खा रही हो बेटा, और ऐसे कैसे खा रही हो, यू जैसे मुंह में डाले, जैसे गुंडे नहीं होते मूवी में, चना खाया और सामने वाले को गोली मार दी। वो रजनीकांत सर करते हैं थी गौरव जी। तुम क्या खा रही हो? रोस्टेड चना। गाइस मैंने सुना है कि वैसे मैंने अमन से कहा नहीं था ये लेने के लिए, पर अमन ने खोल लिया क्योंकि वो जिम्मेदार व्यक्ति है। कैसे तुम ले आए ये? तो और मैंने सुना है इसको खाने से भी कोल्ड ठीक होता है। कोई दिमाग पे फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, इसको खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बस तुम्हें अच्छा लग रहा है तो हम लोग भी सुखी है। थैंक यू इतिक गौरव। इतना तो लाइफ में हम लोग गाइस बग्गी में नहीं घूमे जितना इन 2 दिनों में घूम लिए। तो हमारा डिनर आ गया है। इति मैम ने क्या लिया है अपने लिए फेवरेट? सो गाइस मैंने आज लिए लहसुनी पालक, मैंने दाल तो थोड़ी सी ली पर ड्रमस्टिक पूरे काफी सारे ले लिए। सेम मेरे जैसे। अच्छा तुमने भी सेम किया? यही किया। और बाकी मैंने बीटरूट टिक्की लिए। अच्छा बीटरूट टिक्की और ये पियर्स वाली अचार। मैं अपने लिए फर्स्ट शिफ्ट में ही लाया हूँ, बड़े प्यार थे, बहुत ज्यादा नहीं। अभी मैं फिर से जाके एक और बार गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। एंड इति का जुकाम भी काफी सही हो गया है, पर अभी भी थोड़ा थोड़ा बरकरार है। गुड नाइट गाइज। गुड नाइट।